जकार्ता नहीं नुसंतारा होगी इंडोनेशिया की नई राजधानी। इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदलने जा रहा है। नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा। इससे संबंधित बिल को इंडोनेशिया की संसद ने मंजूरी दे दी है। नुसंतारा ईस्ट कालीमंतन इलाके में है, जो कि पूर्णिया द्वीप का हिस्सा है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालय और फॉरेन मिशन एम्बेसीज नुसंतारा ही शिफ्ट किए जाएंगे। हालांकि नई राजधानी कब तक तैयार होगी इसके बारे में तस्वीर साफ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन और बजट। नुसंतारा एक चीफ ऑफ अथॉरिटी के अंडर में होगी। इसके चीफ का दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर का होगा। नई राजधानी को वर्ल्ड सिटी विजन के तहत तैयार किया जाएगा, जैसे दुबई या सिंगापुर। संसद द्वारा पास किए गए बिल में टोटल बजट का जिक्र नहीं है। अनुमान के मुताबिक नई राजधानी के कंस्ट्रक्शन पर राष्ट्रीय खजाने से करीब 33 अरब डॉलर खर्च होंगे। अलबत्ता ग्राउंड कंस्ट्रक्शन वर्क 2024 की पहली तिमाही यानी मार्च तक शुरू हो जाएगा। वैसे तो बोर्नियो बड़ा द्वीप है, लेकिन नुसंतारा को 256,142 हेक्टर में बसाया जाएगा। नई राजधानी एक ऐसी जगह पर होगी जहां लोग हर जगह के करीब होंगे। वो साइकिल पर या पैदल भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे और कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा। राजधानी बदलने की जरूरत क्यों? जकार्ता की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा। ये दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में से एक। ट्रैफिक इतना खराब कि मंत्री तक दफ्तर वक्त पर नहीं पहुंच पाते। बीते 15 साल से नई राजधानी बनाने की उठ रही थी मांग। 1949 में आजादी के बाद से जकार्ता ही इंडोनेशिया की राजधानी। बिजनेस और ट्रेड के लिए जगह कम पड़ रही थी। जकार्ता क्यों नहीं? समुद्र के पास होने से इसके बाढ़ में डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है। एक रिपोर्ट में इसे दुनिया का सबसे तेजी से डूबता शहर भी बताया गया। हर साल इसका थोड़ा हिस्सा समुद्र में डूब रहा है। जकार्ता देश की 60% आबादी वाले जावा द्वीप का हिस्सा है। क्षेत्रफल 661.5 वर्ग किलोमीटर। हर साल औसतन 1 से 15 सेंटीमीटर समुद्र में डूब रहा है। साल 2050 तक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा सकता है। यहाँ 13 नदियां हैं और जमीन बेहद दलदली। क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। खराब ट्रैफिक की वजह से हर साल 6.8 अरब डॉलर का नुकसान। नुसंतारा नाम क्यों और कैसे? इंडोनेशिया भाषा में नुसंतारा का मतलब ऐसी जगह से है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो। इसके साथ ऐतिहासिक बातें भी जुड़ी हुई है और ये इस देश की पहचान है। नुसंतारा उत्तरी कालीमंतन का हिस्सा है। क्षेत्रफल 127,346.92 वर्ग किलोमीटर। कालीमंतन जकार्ता से 2,300 किलोमीटर दूर। ये खूबसूरत बोर्नियो द्वीप के करीब है। मलेशिया और बुर्नई की सीमाएं करीब। बुर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा का नाता हिंदू धर्म से भी सदियों पुराना है। नई राजधानी बसाने के खतरे भी कम नहीं। नुसंतारा बोर्निया द्वीप के कालीमंतन का हिस्सा है। बोर्नियो द्वीप कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत है। यहाँ घने जंगल और छोटी नदियां हैं। जाहिर है नुसंतारा का जब कंस्ट्रक्शन होगा तो इस हिस्से में हरियाली कम हो जाएगी। इससे इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, बरसाती जंगल कम होंगे और इसकी वजह से जंगली जानवरों का रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ भालू और लंबी नाक वाले बंदर ज्यादा पाए जाते हैं। इनका इलाका छीनेगा तो ये हिंसक भी हो सकते हैं। इससे पहले भी राजधानी बदल चुके हैं कई देश। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो थी,
अब ब्रासिलिया है। नाइजीरिया की पुरानी राजधानी लागोस थी, अब अबूजा है। कजाकिस्तान की राजधानी अल्माटी थी, अब नूर सुल्तान है। म्यांमार की पूर्व राजधानी रंगून थी, अब नेपिदा है। भारत की पहली राजधानी कलकत्ता थी, जो अब दिल्ली है।